अच्छे। क्या बात है, भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड के सौजन्य से निर्माता कुलदीप यादव, परिकल्पना डीजे आदित्य गाजीपुर, संयोजक अजय यादव की देखरेख में रिकॉर्डिंग आर्या स्टूडियो रौजा त्रिमोहानी गाजीपुर सत्यजीत यादव आर्या के सौजन्य से यह गाजीपुर के वीर जवान की वीर गाथा को हमने सोचा कि गाजीपुर के ही स्टूडियो से आज जो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जो एक संकट से गुजर रही है, रफ्तार रुक गई है पूरे दुनिया की, उस पर भी प्रकाश थोड़ा बहुत डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमेशा हमने आपको बताया है कि हिंदुस्तान की धरती, यहाँ की माटी हमारे शहीदों के खूनों से सिंचित है और गाजीपुर की धरती का जवाब, गाजीपुर की धरती का जवाब इंडिया गेट पर जो भी भाई जाएगा तो प्रथम पंक्ति में मिल जाता है वीर अब्दुल हमीद के नाम से। हम आइए चलते हैं बड़ी हृदय विदारक और वीर रस का भी भाव है। ये कोई गाना बजाना तो नहीं, लेकिन भावभीनी मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उन जवानों के लिए, जज्बा है, जोश है विजयलाल यादव की ओर से, जो जवान रोड पर निकल करके 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में अपने फिटनेस को कंप्लीट करता है और भर्ती की लाइन लगा करके और फौज में खड़ा हो जाता है। वैसे एक जाबाज बहादुर सिपाही शहीद अश्वनी कुमार यादव की वीर गाथा पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। कोई त्रुटि होगी आप क्षमा करेंगे, भूमिका प्यारेलाल कवि जी ने बड़ी शिद्दत से लिखा है। क्या हम तो है सुरक्षा मगर हम सुरक्षित कहां, अरे खुशी दिल में रहती तो रोते ही क्यों, बात होती नहीं अपने अस्तित्व की, आन पर वीर कुर्बान होते ही क्यों, विश्व की हर खुशी चीनने छीनली, उसके हर कारनामे है अच्छे नहीं, अरे मर रहे मिट रहे जो हमारे लिए, उन शहीदों के क्या बीबी बच्चे नहीं। बड़ा खूबसूरत भाव हो या कवि ने अपने दिल की बात स्पष्ट शब्दों में किया है कि मर रहे मिट रहे जो हमारे लिए, उन शहीदों के क्या बीबी बच्चे नहीं। आय हाय हाय, एकदम नया नया कव्वाली का टुकड़ा हो और एकदम नया यही विरह से शुरुआत हो, तनी सन्नी घंटों में से निकाला मास्टर। अरे सोलह से लेके और 20 के बीच का उम्र, सोलह से लेके 20 के बीच के उम्र का लड़का लड़की मोहब्बत कैले हुन
अब लइकवा कहत बा कि लइकिया कहत बा, आप लोग पर्दा लगा लिया है लेकिन का कहत बा? ऐसा पहली हो, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। हमारे बच्चे जो रोड पर दौड़ रहे हैं 3 बजे भोर में उठ के, तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूं नौजवानों। तुम्हारे हौसले को देख करके तो हमारा देश खड़ा है, लेकिन जो जवान दौड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं रोड पे, उन जवानों के लिए ये 2 लाइन भी जलाल यादव की तरफ से। अहले वतन से प्यार करेंगे, अहले वतन से प्यार करेंगे, अहले वतन से प्यार करेंगे, इस पे 100 पार मरेंगे, इस पे 100 पार मरेंगे, इस पे 100 पार मरेंगे। कहानी की शुरुआत यहीं से लगल। कितनी बढ़िया बात कवि जी ने लिखा है, जिनकी बदनियत बदनियत चीन की बदनियत है विश्व को मिटाने की, साथ ही पाक की जमीन को हथियाने की। समझिएगा, बिरहा बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग भी सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। चीन की बदनियत है विश्व को मिटाने, साथ ही पाक की जमीन को हथियाने की। बात बढ़ाऊं क्या मैं पाक के दलालों की? क्या बात करें, जिनका कोई वजूद नहीं। बात बढ़ाऊं क्या मैं पाक के दलालों की, जिंदगी खाने खाने को तरसती सालों की। अब ये जो आपदा पूरे दुनिया में आई है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, कोरोना प्राकृतिक होता तो कभी टल जाता, कोरोना प्राकृतिक होता तो कभी टल जाता, ठंड में जीता तो गर्मी में यूं ही जल जाता। विश्व के कोने कोने, भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने फैली महामारी है। चीन ने दिया आर्टिफिशियल बीमारी है, यही सच्चाई है। क्या विश्व के कोने कोने फैली महामारी है,
चीन ने दिया आर्टिफिशियल बीमारी है, सलाम करता हूँ सलाम करता सलाम करता हूँ हिंद वफादारों को, किनको सलूट करता हूँ, मन से सलूट करता हूँ। आज जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो देश के गद्दार है, इसलिए कहना चाहूंगा सलाम करता हूं उन हिंद वफादारों को, डॉक्टर नर्स सिपाही वतन सरदारों को। बंद हम घर में सड़क पर वो खोले जाते, हम तो अपने घर में बंद हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर से अपने आप को बराबर साफ कर रहे हैं, कई बार साबुन से हाथ धो रहे हैं। हमारे पार्टी में कुछ लोग हैं कि साबुन से नहाए उनको कम से कम 6 महीना हुआ होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके इज्जत की बात है, आप लोग समझ भी गए होंगे, समझ लीजिएगा। लेकिन पंदहम घर में रहते है सलाम करता हूँ हिंद वफादारों को, डॉक्टर नर्स सिपाही वतन सरदारों को। बंद हम घर में सड़क पर वो खुले जाते हैं, मौत से लड़के हमें मौत से बचाते हैं, नौनहरा गाजीपुर नौनहरा गाजीपुर का अश्वनी नौजवान रहा, नौनहरा गाजीपुर का अश्वनी नौजवान रहा, खड़ा कश्मीर में ड्यूटी पसीना तान रहा। जिला गाजीपुर नौनहरा थाना क्षेत्र ग्राम चकदाऊ ग्राम का रहने वाला अश्वनी यादव सीआरपीएफ का नौजवान, जवान का जन्म 5/7/1988 भर्ती 2007 में, 12 वर्ष की ही उम्र में पिता का देहावसान हो गया। है दो भाई अंजनी कुमार और अमन कुमार, शादी 2010 में बलिया जिला के गांधी नगर में अंशु यादव से हुई, श्री गुलाब यादव की सुपुत्री से। 92/92 बटालियन सीआरपीएफ में कार्यरत जवान के पुत्री आयशा, आदित्य यादव पुत्र और पिता स्वर्गीय श्री राम यादव, माता लालमणि देवी। देखिए ये तो उनके परिवार का जीवन परिचय रहा, ये हमारे घर की बात है, हमारे गांव की बात, लेकिन हम आपको बताना चाहता हूं जरा इस घटना की कड़ी क्यों। अपने गीत के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं, और जैसे आपको लगेगा कि हम बिरहा नहीं सुन रहे, हम सरहद, बिरहा गाना बजाना और बिरहा लिखना एक अलग बात है। तमाम लोग बिरहा गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तमाम लोग लिखते भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेखक हैं, लेकिन एक बार आपको बताना चाहूंगा भाई अंजनी अमन अंशु गुलाब सबको धीर बढ़ाते हुए कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात साथियों से बात करते हुए और आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है हमारा जवान, तो यहां फर्ज बड़ी बेजोड़ लगल कवंतर जमा कोनो में हरारू, कोनो में हरारू अपने मरद से कहले रहा, अरे उठे दा पीर बाबा बाबा, अरे उठे दा पीर कमर के नीचे हायल कैले बा, हर दिया पी सजे नन दो, हर माई हर दिया
सीता जनन को है दर्द दिया लालन कैले बा हर दिया सीता जनन को दर्द दिया घायल कैले बा लेकिन विरहा का भाव कितना बढ़िया कवि लिखत हो मौत के मौज में फाद में जलन हवा स्पष्ट करा हे महेंद्र मौत का मौज पावे फौज में जवनवा चुके न देले हो कदम कबरू के न दे ले हो तिरंगा झुके न दे ले हो कदम कबरू हमारा नौजवान अश्वनी यादव कहाँ है जम्मू कश्मीर में डाटल हंदवाड़ा में बा गाजीपुर के शेर हो कैसे कौन दुश्मन ताकि अखिया तरे कदम कबरू के न दे ले हो तिरंगा झुके न दे ले हो कदम कबरू के न दे ले हो ये हमारे जवानों की ईमानदारी है बाबा रास्ते में अश्वनी यादव साथियों के साथ चल रहे हैं तब तक घर से उनके दुल्हन उनके धर्मपत्नी का फोन आया फोन उठा लिया चल रहा है बातें हो रही का हो का हाल बा हंसत हूँ कहना ठीक बा कैसे बा बुचिया कैसे बा बाबू तू कैसे बाड़ू माई का ध्यान रख हाँ कुल ठीक बा तोके हमार ध्यान बा बड़ा मधुर रिश्ता होला लेकिन एगो तर यहाँ फिर नहीं लग गई मास्टर कौनो मेहरारू अपने मर्द से ओरहन देत बा कि देखा जब तुहा तो यही तरह हम छा छनावे के रह का करे के सिखा देला हम देखा बहुत बड़ी बात दुलहिन कहत बा अरे मुहे लगवला जवन आज ना चिखावेला मुहे लगवला जवन आज ना चिखावेला ए राजा जी काहे के करे जा कावेला
मेहरारू के संवाद बा। दुल्हिन पूछे थी कहथिन सुना तुहार जवन आदत बा एक ठे आदत से तोहरे हम बड़ा परेशान है। क्या कहथिन चार बार फोन करी चार बार फोन करी एक बेर उठावे मानिला तू हुआ राजा मानुला तू हुआ राजा देश पर उतारू अश्वनी कहलन तब बात समझाई के बाबूजी तो नहीं खन ध्यान रखिया तू माई के अरे अश्वनी कहलन तब बात समझाई के बाबूजी तनई खन ध्यान रखियो तुमाई के रखियो तुमाई के अरे फोन में सहारा हुआ एहू से भटिया जी कैसे करे जा तू मनावेला ये तो पति और पत्नी का संवाद रहा। ड्यूटी से अपने जवानों के साथ अश्वनी यादव अपने कैंप की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी को समझा रहे हैं कि अरे पागल इतना घबरा घबरा के तू बोले लू तो और बात सुन के आ तनको नरम दिल का आदमी रही तो फट से रिजाइन मार दी। अच्छा कई जाने ऐसा न हुआ अरे भैया चलना भाग अदमेड़ पर
कितना जने ट्रेनिंग ही है में झूठे गोड़ तोड़ के भाग जाए। दिए सेवा सबके मुकद्दर में नहीं हो। एगो तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल मास्टर बा क्या बात। बुंदेलखंडी गीत बा, बुंदेलखंड में ये गीत के गावल जला। अरे बनवा कर धनिया, हाँ हाँ बनवा कर धनिया, अधनिया दगा मुको दे गई। बनवा कर धनिया, करके प्रीत हजार में हमसे अपने आगे लग गई रे। बनवा कर धनिया, हाय हाय बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुको दे गई। बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुको दे गई। लेकिन हम उस जवान को सलूट करते हैं अश्विनी यादव अपने दुल्हन से समझावत होन कलन के। अरे पागल सुन, फौजी का जवनिया, फौजी का जवनिया धनिया सन्यासी जैसी हो गई। फौजी का जवनिया धनिया सन्यासी जैसी, अरे रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल किस्मत जानी, अरे देश के ऊपर मरने फौजी का जवनिया, हाय हाय फौजी का जवनिया धनिया सन्यासी जैसी हो गई। फौजी का जवनिया धनिया सन्यासी जैसी, फोन रख दिया दुल्हन को समझा दे। लेकिन चला यश्वनी लेकर टोली, आतंकी मारे गोली, अरे फोन काट मुर्चे बटता है, फोन काट मुर्चे बटता है, मुर्चा बंदी हो गई रे। फौजी का जवनिया, हाँ हाँ फौजी का जवनिया धनिया सन्यासी जैसी हो गई। जवानों के साथ चल रहा है, तब तक पीछे से तरतार 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 गोलियों की आवाज आने लगी। फोन काट कर मोर्चे पर डटा और मोर्चा बंदी हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। एक तरफ से आतंकवादियों का कहर बरस रहा है, उनकी संगीने आग उगल रही हैं। हमारे जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। सुनी पत्नी से बात करते हुए कहता है, आऊंगा तो ऐसा को साइकिल दिलवाऊंगा, उसे पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाना है, उसके पढ़ाई का ध्यान ट्यूशन का ध्यान रखना। इतने में तो गोली चल गई। जब गोली चल गई तो यहां गोली वाले तर्ज भी लग गई। मास्टर खांटी भी रस हो छा
पीछे से गोली चलाते हो, सालों पीठ पर वार करते हो, ललकारता है क्या कहा क्या? पीछे सच्चा है चलावे लगवनिया, अरे मर्द होता लाजा साभानावा कर चल काजीपुर का जवान। एके 47 ले छल कल बघेला, अरे गोलिया से के तनन के भूनल सैया केला, अरे चौ तरफ घेरा में घेरला मुदैया, गोली चला रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, क्या समझ में आवत हो? हउवे चढ़ावल तू चीन चापलूस के, अरे तमारी फौज तो के घर में घुस के, चार चार आतंकवादी चारों तरफ से असलहा लेकर के हमारे जवानों को घेर लेते हैं। यही से कबील खान की चार चार कसैया हो मनले मुदैया चौ तरफा के सधले निशनवा। कुछ याद किया गाजीपुर को, कुछ याद किया गाजीपुर को एक वीर ललन मां गंगे का, धरती की मिट्टी चूम लिया वह करके नमन तिरंगे का, तस्वीर तस्वीर नयन के दर्पण में है बुढ़ी माँ की नाच रही, यादें अंशु आदित्य आशा की झिलमिल रेखा खांच रही। एक मित्र को हिलती अंगुली से वह अपने पास बुलाया है, गोलियां इतनी गोलियां लगी है धरती पर गिरा है, लेकिन एक मित्र को हिलती अंगुली से वह अपने पास बुलाया है, कुछ जंग सरहदे बाकी है पूरा करना फरमाया है, कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन कुछ जंग सरहदे बाकी है। वाह, कहने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों, इसको पूरा कर देना मित्र, इसे आग का बदला ले लेना ना देर लगे एक झोंके में। अंतिम इच्छा अपनी बताता है गाजीपुर का सपूत सुनी यादव के, इसे आग का बदला ले लेना ना देर लगे एक झोंके में, हे वीर तिरंगा लहरा देना जाके क्षेत्र पियो के में। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कब, कि जब हमारी हिंदुस्तान की फौज पीओके के धरती पर झंडा हिंदुस्तान का गाड़ देगी। इतना कहा
और कहते कहते रुक गई है बोली चढ़ गई पुतली, रुक गई बोली चढ़ गई पुतली, गर्दन एक और लुढ़क गई, गाजीपुर आई डेथ बॉडी, पूरे क्षेत्र की हालत खसक गई। जवान अश्वनी यादव की लाश दरवाजे पर आई, अपने क्षेत्र के लाल के सम्मान में तमाम गाजीपुर के नेतागण से लेकर के और जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रजेश ट्रेडिंग सेंटर कहुतरी हमारे छोटे भाई ब्रजेश यादव ने बराबर टेलीफोन करके मुझे अवगत कराया। हमारे शिष्य भगवान यादव ने भी कहा गुरुजी अब स्थिति ऐसी बन रही है कि पंच तत्व में विलीन होने की बारी है। ऐसी स्थिति रही, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा था, ये कोरोना महामारी जो पूरे देश को, पूरे देश की, पूरे दुनिया की रफ्तार को रोक रखा है। हम लोग चाहते हुए भी बॉर्डर पार नहीं कर पाए और नहीं आ पाए। बनारस से आना था लेकिन हमारे भाई, हमारे मित्रगण, हमारे परिवार के लोग भी जवान के अंतिम समय में अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित हुए। लेकिन हम दिल से ये नमन करते हैं कि जवान अश्वनी यादव की लाश दरवाजे पर आई, अपने क्षेत्र के लाल के सम्मान में तमाम लोग लॉकडाउन के मर्यादा को भूलते हुए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरवाजे पर ताबूत खोला गया, अंशु देवी अर्ध विक्षिप्त होकर के पागल सी प्रश्न कर रही है, रो रही है, क्या छोड़ कर के कहाँ चल दिए, छोड़ कर के कहाँ चल दिए, जवान की डेथ बॉडी दरवाजे पर तिरंगे झंडे में लपेटी गई है। ओहो, कितना भयानक और कितना दर्दनाक भाव है, रो रही है, क्या कह रही है अंशु देवी। मेरे होठों पर जो थी हंसी ले गए, मेरे बच्चों की सारी खुशी, हर तमन्ना गई, हर इरादे गए, ऐसा डॉक्टर बनेगी वे वादे गए, सर समझा रहा है। अंशु बेटी आपके बहादुर पति को दुनिया सलाम करती है,
सरकार आप लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराएगी। अंशु कहती है कुछ नहीं करेगी सरकार, साहब हमें समझाएगी, धीरज बंधाएगी, कल फिर कोई फौजी जवान शहीद होगा, फिर वही कर्म जारी रहेगा। आज हमारा क्या क्या चला गया साहब, हमारे नन्हे से बालक की लंगोटियां चली गई, हमारी चहकती फुदकती गुड़िया की चोटियां चली गई, हम अपने शौक सिंगार की बात क्या करें साहब, हम लोगों की मुंह की तो रोटियां चली। अंशु बच्चों को समझा रही है, बेटे पिताजी नहीं तो क्या, हम है ना। अफसर कहता है मां को समझा कर कि माताजी सरकार आपके बेटे के सम्मान में धनराशि मुहैया कराएगी। मां पूरे सैलाब के अंदर फफक पड़ती है, रो पड़ती है, साहब किस धनराशि की बात करती हैं। एक हाथ जोड़ के बात करस माई का कलस मास्टर, यह माई कहत बा कि अरे अन धन ना गहनवा चाही, दोनों हम गवौली। अब तो खाली ओढ़ है कि यह कफनवा चाहिए, रोत हैं का कहते हैं कल की आई चमा की हम के कही के गई, अरे चश्मा का दिए है हमारो अखिया लेके गई ले बेटा, मुहावा से बोला एक दर, मुहावा से बोला एक दर ना तोहर खजनवा चाही, आर्मी अफसर कहता है देश के सेना और पूरी फौज आक्रोश में है, अश्वनी कुमार का बलिदान जाया नहीं जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लेना, नहीं जाया जाएगा। विरह में कभी जी भाव लिखल निगाहें उसकी कितनी गंदी है, निगाहें उसकी कितनी गंदी है, जियल के कई बरस त्रिपाल के हमारे छाए हैं। या किसी आतंकी की, किसी आतंकी की लाशें ना उनके घर पर जाएगी, ये इंडियन आर्मी का फरमान है, हमारे जवानों का फरमान है। किसी आतंकी की लाशें ना उनके घर पर जाएगी, सेना मेरी दफनाएगी या उनको यहीं जलाएगी।
या तो गिद्ध कौओं को देगी नोच नोच कर खाने को, अब तो बदलना है हमको पीओके के पैमाने को। माँ पूछती है, ये साहब हमारा सुनी आखिरी में कुछ कहना, कुछ सुनला साहब? ऑफिसर कहता है, क्या? अरे बोल उठा, गाजीपुर का मतवाला मरने वाला था, अब मार दो पाकिस्तान के मुंह पर ताला मरने वाला था। मुझे फरा बात की गहरी घाटी में फारा देना मित्र तिरंगा पीओके की माटी में, चीन से अपनी पीटर ढाल पे ताला मरने वाला था, अरे ठोक सलामी हसल खटा के लाला मरने वाला था। तब तक उस फौजी अफसर के सामने मीडिया वाले पहुंचते हैं, अश्विनी यादव के फौजी जीवनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अफसर कहता है, अश्विनी यादव हमेशा राष्ट्रीय जागरण की बात करते थे, कहते थे आज राष्ट्रीय जागरण की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा। अफसर कहता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जय हे जय हे से ज्यादा ए आर रहमान का जय हो बजने लगता है तो वहां राष्ट्रीय जागरण की जरूरत पड़ती है। एक सेलिब्रिटी के कंधे के ऑपरेशन की खबर पूरी मीडिया देने को दरवाजे पर दस्तखत देती है तो तुकाराम जैसे जाबाज सिपाही जो बंदूक की नोक पर हथेली रखकर कसाब को पकड़ता है उसकी ओर उसके घर की खबर कोई नहीं लेता तो वहां भी राष्ट्रीय जागरण की जरूरत पड़ती है। शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, पूरी मीडिया विश्व के कोने कोने में छापती है और दिखाती है, ये रोक लिया गया, वो रोक लिया गया। और हमारे अब्दुल कलाम साहब को जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है तो किसी को खबर नहीं, किसी मीडिया का पता नहीं, किसी नेता के कान में जू तक नहीं रेंगता। यहां भी राष्ट्रीय जागरण की जरूरत है। कहते थे अश्विनी यादव, कभी सलमान के बालों पर तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए। कहते थे अश्विनी यादव कि कभी सलमान के बालों पर तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुम्बन कभी चेहरे तो कभी चालों पर मर गए। आज स्वर्ग से बैठकर भगत सिंह भी कह रहे होंगे, यार राजगुरु सुखदेव हम किन सालों पर मर गए। आला का भाव बा मास्टर। अरे चीन पाकिस्तान दोनों नागटा सवैया हुए, एगो बाटे गेहूं एगो करित समान, पापा
अंतिम संस्कार के बाद सबको हटा करके अंशु घर में आती है अश्विनी यादव के टंगे हुए दीवार पर फोटो की तरफ देख करके एक इशारा करती है, का हो निक लगत बान तोके वीर गति के पदक मिली। दीवार पर टंगा जाई तिरंगा सम्मान में मिलल स्मारक पर लहरा जाई। एगो बात बता दा, बड़ी मार्मिक बड़ा मर्माहत बात पूछती है। क्या अंतिम पूछती है मास्टर? टंगे हुए फोटो से प्रश्न करती है, सवाल करती है, आंखों में आंसू है। इससे बड़ी दर्द और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। क्या कहती है? अरे नहीं हर सासुर एकले के जाई कहवा कि तोहरे तोहरे सेनुर का सिमरावा रखाई कहवा। चूड़ी कंगना भी दिया का कहीं फीता दिया कीन के आया सली बड़ा सिंगरावा कहे ले गई छीन के। अरे फोटो से निकल के उत्तर दे दाली हवा तोहरे से नूर का सिमोरा वार खाई कहवा। तब तक माँ आती है समझाती है, ये बिटिया रोवा मत। एक बात कहती है माँ, क्या कि हम ते बिटिया कोनो घाटे के न भैली आ दूध से गईली से नूर से गईली। अरे धीरज रखा बेटी देख लई कल के मुहावा कि तुहरे से नूर का सिमरावा रखाई कहवा। ये हमारे जवान की वीर गाथा रही। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गमगीन कह चंद्रिका गाजीपुर का गयल सितारा छीन निगाहें उसकी कितनी गंदी है विजयी प्यार लाल है पाकिस्तान लफा है निगाहें उसकी कितनी गंदी है।